हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पंकज इंग्लिश। आज आप लोग के साथ मैं मच अवेटेड और डिमांडेड वीडियो लेकर मौजूद हूँ और उसका नाम है वोकैबुलरी सेशन 6, या उसको हम लोग डे 6 बोलेंगे। डे के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं वोकैबुलरी का रूटवर्ड वोकैबुलरी का हम आपके साथ 5 वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। वो आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसे नई चीज़ों को सीखे हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा रूट बट वोकैबुलरीज। तो वहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिए और जाकर आप 5 तक नहीं देखें देख लीजिए। आज हम आपके साथ डे 6 लेकर मौजूद हैं। ये जो वीडियो है ये सारे लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे एक सेशन मेरा और चल रहा है जनरल इंग्लिश का, जिसको हम लोग नाम दिए हैं जनरल इंग्लिश सेट 1 to 40, जिसमें हम लोग 6 सेशन तक कर लिए हैं। अगले दिन हम लोग 7 करेंगे। तो उसमें उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो एक बार इंग्लिश को कंप्लीट गो थ्रू कर लिए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो एक बार वोकैब्स को, एक बार ग्रामर को कर लिए हैं। तो वो वीडियो थोड़ा सा ये हो जाता है कि लर्नर के लिए, बिगनर के लिए, जो शुरुआत किए हैं उनके लिए थोड़ा सा काम फायदेमंद होता है। लेकिन रूटवर्ड का हम लोग सेशन कर रहे हैं, सारे लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो या तो अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए हैं, या तो अभी मिड में हैं, या फिर अंग्रेजी को कम्प्लीट समाप्त कर लिए हैं। तो ये सारे लोग के लिए, सारे फ्रेंड्स के लिए, सारे दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो बस मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा कि 20 मिनट में वीडियो को समाप्त कर दिया जाए। तो चलते हैं, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो डॉक्टर के बारे में बात करेंगे। कौन से स्पेशलिस्ट को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कौन सा व्यक्ति कैसा प्रैक्टिस करता है, कैसे करता है और उसे क्या कहा जाता है, उसी चीज़ को हम आज लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, हेडिंग नाम को दे दिए हैं, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस मेडिकल स्पेशलिस्ट्स, व्हाट दे डू, हाउ दे डू, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या हम लोग उस नाम को देखने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ रूट को कर लेते हैं और इसी रूट के माध्यम से वो सारे वर्ड को हम लोग, सारे वोकैब्स को देखेंगे। इसमें से 2-3 रूट को हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, तो फिर से मेंशन कर रहा है ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो पहला रूट है गाइनी, GYNE। गाइनी मतलब होता है वोमैन। अब देखो, किसी भी वोकैब में, किसी भी वर्ड में अगर गायनी जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब होगा रिलेटेड टू वोमैन। जैसे गायनेकोलॉजी होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, तो बहुत सारा वर्ड होता है डियर। एक है ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है मिडवाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं दाई। अगला है पेडोस, पेडोस मीन्स होता है चाइल्ड, बोले तो शिशु या बच्चा। नेक्स्ट वन इज पेडिस, पेडिस मतलब होता है फुट, बोले तो पैर। IATREIA इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। नेक्स्ट इज डर्मा, डर्मा मतलब होता है स्किन। ऑप्थल्मोस मतलब होता है आईज। और एक है कार्डिया, कार्डिया मीन्स होता है हार्ट, हृदय। ऑर्थो मतलब होता है टू स्टेट या टू करेक्ट, या तो सुधार करना या सीधा करना, द वर्ड इज ऑर्थो। और नेक्स्ट इज साइकी, साइकी मीन्स होता है माइंड। तो इतना ही रूट है, इसी के माध्यम से आज हम सारे वोकैब्स को देखेंगे। तो चलते हैं, आज का क्या वोकैब्स है, क्या वर्ड है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या है ऑब्स्टेट्रिशियन, इसको देख लो क्या होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखोगे इस पे डिफिनेशन से ज्यादा हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे डियर। ए बना है ऑब्स्टेट्रिक्स से, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ किसको बोलते हैं, दाई को बोलते हैं। जो ध्यान दीजिएगा, किसी भी औरत का डिलीवरी के समय उसके पास बच्चे को देख रेख करने के लिए, उसके माँ को देख रेख करने के लिए जो औरत उसके पास खड़ी होती है, उस औरत को ही बोला जाता है मिड वाइफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिड वाइफ। और इसियन का मतलब होता है डियर एक्सपर्ट, जैसे इसे बनता है मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, फिजिशियन आदि आदि। तो इसियन मतलब होता है एक्सपर्ट। और ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन को इंडिकेट करता है। तो जिस भी वर्ड में इसियन जुड़ा हुआ हो, ICIAN, इसका मतलब हो जाएगा एक्सपर्ट। और ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब हो जाएगा मिडवाइफ, मिडवाइफ बोले तो दाई। तो जो मिडवाइफ के कार्य में, वर्क करने में क्या हो, एक्सपर्ट हो, उसी को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। आपको लैंग्वेज लिखा गया है डियर, ए फिजिशियन और सर्जन क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इज ऑब्स्टेट्रिक्स। अब देखो, यहां पे एक वर्ड हम मेंशन किए हैं
ऑब्स्टेट्रिक्स, देखोगे जिस भी वर्ड के अंत में सीएस रहेगा क्या रहेगा डियर, सीएस, इसका मतलब हो जाएगा साइंस या बोले तो स्टडी, क्या बोलेंगे साइंस या फिर स्टडी, बोले तो विषय या अध्ययन या विज्ञान, उसी को बोलते हैं सीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर सीएस। इसका मतलब क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी कंसर्न विद चाइल्ड बर्थ एंड द केयर ऑफ वुमेन गिविंग बर्थ, ये भी किससे बना है डियर ऑब्स्टेट्रिक से, और सीएस मतलब क्या हो गया सब्जेक्ट। तो जिस शाखा में जिस विषय में ध्यान दीजिएगा किसी प्रेग्नेंट औरत या उससे रिलेटेड उसके बच्चे का देखरेख का अध्ययन किया जाता है उसी सब्जेक्ट या उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं डियर ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, और ये अध्ययन करने वाला इसका प्रैक्टिस करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। इसका मतलब होता है प्रसूति विज्ञान, हिंदी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, प्रसूति विज्ञान, और इसका मतलब बोलते हैं प्रसूति विज्ञानी, क्या बोलते हैं प्रसूति विज्ञानी। इस चीज को आप याद रखिएगा, कैसे याद रखना है डियर, जो मिडवाइफ के काम को क्या करता है प्रैक्टिस करता है, जो बच्चे को जन्म देते समय माँ और बच्चे का केयर करती है उस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। याद कैसे करना है डियर, ऐसे इसको याद करना है, बस इतना सा ही लिंक आपको याद रखना है कि जो मिडवाइफ का काम करती है वही डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, और उसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। एक बड़ा और बताएं डियर कि ICIN का मतलब क्या होता है एक्सपर्ट, इसी से हम लोग बनाए हैं क्या देखो म्यूजिशियन, म्यूजिशियन किसको बोलते हैं द कंपोजर ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक को बनाने में एक्सपर्ट होता है दैट इज कॉल्ड म्यूजिशियन। नेक्स्ट वन इज मैजिशियन, मैजिशियन किसको बोलते हैं वन हु मेक्स मैजिक ट्रिक्स, जो मैजिक जादू को आपके सामने दिखा रहा होता है या जादुई कला को दिखाता है उसी को बोलते हैं मैजिशियन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करता है या कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड मैजिशियन। नेक्स्ट वन इज फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब होता है ए पर्सन या डॉक्टर हु प्रैक्टिसेस इन मेडिसिन रेदर देन सर्जरी, जो सर्जरी नहीं करके बस मेडिसिन और आपके नेचर को रिकॉग्नाइज करके डायग्नोज करके दवा करता है मेडिसिन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिशियन। फिजिशियन जो होते हैं सर्जरी का काम नहीं करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या फिजिशियन। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा कि प्रसूति विज्ञानी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक है पेडियाट्रिशियन, देखोगे पी पीडियाट्रिशियन, क्या इसको पढ़े हैं पीडियाट्रिशियन। आप देखोगे यहां पर हम रूट पकड़ेंगे पैडोस, पैडोस मतलब होता है चाइल्ड, क्या होता है चाइल्ड। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है यार कि बच्चे के डॉक्टर को ही क्या बोल देते हैं पीडियाट्रिशियन, क्या बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, किसके डॉक्टर को बच्चे के डॉक्टर को। अब देखो गूस में दो तीन रूट और भी इन्वॉल्व है, IATRE IA मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है कोई बीमारी जख्म आदि का ठीक होना, द वर्ड इज क्या होता है हीलिंग। और अभी भी पढ़ाए ICIN का मतलब होता है एक्सपर्ट, तो वैसा एक्सपर्ट वैसा मेडिकल डॉक्टर जो बच्चे के डिजीज को बच्चे के एलिमेंट को बीमारी को क्या करता है डायग्नोज करता है और ट्रीट करके उसको ठीक करता है वैसे डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। एक वर्ड याद रखेगा, क्योंकि मैं भी मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे है यहां पे एक्सपीरियंस अंदाजा, इसका स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ही ज्यादा गलती करता है डियर, और यहां पे मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है कि ए पहले होता है या ई। तो याद रखना पहले ए होता है बाद में ई, अगर आपको चार ऑप्शन में देता है डियर तो पता नहीं चल पाता है वहां पे कि पी ए होता है कि पी ई होता है। तो याद रखना कि पैडोस से बना है पेडियाट्रिशियन, और पैडोस का स्पेलिंग होता है पी ए आई डी ओ एस, तो पीडियाट्रिशियन का स्पेलिंग हो जाएगा पी ई ए या पी ए ई। तो आपका जवाब मिला पी ए ई डी आई ए टी आर आई सी आई ए एन। अब देखो आगे क्या है, इसको इसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ए मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, जो बच्चे और उसके बीमारी को लेकर ध्यान दीजिएगा स्पेशलिस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। हिंदी क्या लिखेंगे डियर, शिशु रोग चिकित्सक या शिशु चिकित्सक, उसी को क्या बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। अच्छा इसी से दो वर्ड बताएं, उसके विज्ञान को उसके सब्जेक्ट या स्टडी को क्या बोलेंगे पीडियाट्रिक्स, और उसी के ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव रिलेटेड क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्या बोल देंगे पीडियाट्रिक। अंत में आईसी है
तो एडजेक्टिव इस चीज को हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंत में आई सी है तो एडजेक्टिव, और सी एस है तो स्टडी, बोले तो अध्ययन या ब्रांच, या बोले तो सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई रिपीट, शिशु रोग चिकित्सक पीडियाट्रिशियन, वायसस ब्रांच को शाखा को क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिक्स, और उससे रिलेटेड एडजेक्टिव क्या बना दिए, पीडियाट्रिक। तो इस चीज को भी आप याद कर लिए। किससे बना, पैडो से, पैडो से मतलब चाइल्ड। इसको हम लोग क्विक रिविजन करेंगे वीडियो के लास्ट में कि इसको कैसे याद रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आपको सारा चीज यहीं पे याद हो जाएगा, फिर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं अगला वर्ड, देखोगे एक वर्ड पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन बहुत कंफ्यूजन होता है, जब मैं तैयारी शुरू किया तो मुझे तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, आपको होता है नहीं, आप समझिए। यहाँ पे देखोगे पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन पेडिस से बना, और पेडिस मतलब क्या होता है, फुट। वहां पे हम लोग कौन सा वर्ड देखे थे, पैडोस, और पैडोस मीन्स क्या था, चिल्ड्रेन, क्या था, चाइल्ड, रखो चाइल्ड। तो पैडोस मतलब चाइल्ड और पेडिस मतलब फुट, देखो दिख नहीं रहा है, पैडोस मतलब क्या होता है, फुट। इसको बोलते हैं वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। आप रोड पर देखे होंगे बहुत सारे लोग फुटपाथ पर चलकर रोड को, सड़क को पार करते हैं, या कहीं भी आपको पैदल चल के ही चले जाते हैं, तो पैदल चलने वाले यात्री या व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। कैसे याद किए, कैसे आसान पड़ा, बना है पेडिस से और पेडिस से बना, तो पेडेस्ट्रियन मतलब हिंदी क्या लिखोगे, पैदल यात्री, क्या हिंदी लिखिएगा, पैदल यात्री। इसका स्पेलिंग क्या है, पीई डी एस, और शिशु रोग चिकित्सक का क्या था, याद करो, पी डी आई ए टी आर आई सी आई ए एन, इसका क्या है, पीई डी एस टी आर आई ए एन। आपको चीजें आसान लग रही होगी, लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे डियर, तो यही स्पेलिंग आपको कंफ्यूज कर देगा और 2.5 मार्क्स लेकर चला जाएगा, और 0.5 मार्क्स मेरिट के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 मार्क्स का महत्व आपके जीवन में कितना ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, इसी से बना है, एक वर्ड बना पेडल, देखो पेडल भी बना है पेडी से और पेडेस्टल भी बना है पेडी से, तो दोनों का मतलब हो जाएगा डियर फुट। याद करो पेडल, अब 10th में या 9th में पढ़ते थे तो आपके पास बाइक नहीं हुआ करता था, अब साइकिल से ही ट्यूशन जाते थे, तो साइकिल को तेज चलाने के लिए अब पैंडल पे, जिसको लोग पैंडल बोलते थे हिंदी में, उस पे जोर से फोर्स लगाते थे ताकि साइकिल तेज से चल पाए, तो उसको बोलते थे पेडल, क्या बोलते थे, पेडल। तो पेडल मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट दैट इज ऑपरेटेड बाय क्या होता है, फुट, जिसको हम लोग फुट से ऑपरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेडल। वो साइकिल का भी पेडल हो सकता है, गाड़ी का ब्रेक भी हो सकता है, या किसी भी मशीन का कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग किससे हैंडल करते हैं, फुट से, दैट इज कॉल्ड पेडल। अगला है पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है आधार, क्या होता है, आधार। जैसे कि आपके घर में बिल्डिंग बनता है, तो बिल्डिंग बनता है तो बोला जाता है कि उसका आधार जो होना चाहिए मजबूत होना चाहिए, तभी बिल्डिंग जो होगा मजबूत रहेगा। तो किसी भी स्टैचू का, किसी भी घर का जो फाउंडेशन होता है, आधार होता है, उसी को बोलते हैं क्या, पेडेस्टल। अब आधार या फुट है या फाउंडेशन है सर, तो उसको फुट से क्या मतलब है, तो फाउंडेशन और बेस कहाँ रहता है, फुट में ही रहता है, पैर ही नीचे रहता है, पैर के पास ही रहता है डियर, इसीलिए इसको क्या बोले, पेडेस्टल। जैसे कि आप सुने होंगे द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखिएगा, वहां पे प्रतिमा लगा हुआ है, लेकिन जिस भी बेस पे खड़े हैं, जिनका ही प्रतिमा है बेस पे खड़े हैं, तो वही बेस को, मान लो कि ये बेस है, इस पे प्रतिमा लगा हुआ है, तो इसी बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडेस्टल, क्या बोलेंगे, पेडेस्टल। तो किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर जिस पे रखा हुआ है, जिस पे ध्यान दीजिएगा, उसको रखा हुआ, जिस पे वो लाई करता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल मतलब बेस और सपोर्ट ऑन विच अ स्टैचू ऑब्लिक और कॉलम इज क्या होता है, माउंटेड। द नेक्स्ट वन इज पेडलर, क्या है, पेडलर, ए पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग अ स्मॉल आइटम्स, छोटे छोटे चीजों को घूम घूम कर बेचने वाले को ही क्या बोलते हैं, पेडलर, क्या बोलते हैं, पेडलर, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरी वाला। आपके माँ जी बोलते होंगे फेरी वाला आया हुआ है, ध्यान दीजिए, तो फेरी वाला किसे बोलते हैं, जो अपने छोटे छोटे सामानों को घूम घूम कर गाँव गाँव में बेचता है, तो फेरी वाला, उसे ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं पेडलर। पेंडल को क्या हम लोग बोल दिए, पेडल। और किसी भी आधारभूत स्ट्रक्चर जिस पे कोई स्टैचू प्रतिमा को लगाया जाता है, उस आधार को क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड,
अगला वर्ड है डर्माटोलॉजिस्ट, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला वर्ड क्या है? डर्माटोलॉजिस्ट। देखो डर्माटोलॉजिस्ट बना है किससे, ध्यान दो किससे बना है, मैं लिख देता हूं डर्माटोलॉजिस्ट। देख लो ये जो वर्ड बना है डर्मा से, और डर्मा मतलब होता है स्किन। क्या होता है? स्किन। अच्छा लोगस मतलब क्या होता है? स्टडी। और आईएसटी जो होता है ना, आईएसटी जो होता है कॉमन नाउन को बताता है, किसको? कॉमन नाउन को, ठीक है। और लोगस मतलब क्या होता है? स्टडी। तो वैसा व्यक्ति जो स्किन के बारे में स्टडी करता है और उसका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, वैसे आदमी को बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। जैसे गर्मी का मौसम है, आपके देखिएगा स्किन पे रेड रेड स्वेलो जैसा कुछ निकल जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप कहाँ जाइएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, ऑर्थोपेडिस्ट के पास नहीं जा सकते, आप चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाइएगा। अंग्रेजी वर्ड आपको याद रहेगा तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो डर्माटोलॉजिस्ट उसे बोला जाता है जो चर्म रोग को डायग्नोस करता है और उसे ट्रीटमेंट देता है, तो वैसे डॉक्टर को बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। लिखा हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड टू डायग्नोज एंड ट्रीट अ स्किन डिसऑर्डर या स्किन डिजीज। जो स्किन डिसऑर्डर या स्किन डिजीज को क्या करता है? डायग्नोज करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, वही डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। किससे बना? डर्मा से बना। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। और इसी से हम लोग याद कर लिए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब हो जाएगा चर्म रोग विशेषज्ञ। इसे याद करने बहुत आसानी होगा। अब हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे स्किन के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन डर्माटोलॉजी, ध्यान दो लॉजी रहेगा तो स्टडी, लॉजी रहेगा तो स्टडी, और लॉजिस्ट रहेगा तो स्टडी करने वाला व्यक्ति, और अंत में आईएसटी है तो व्यक्ति कॉमन नाउन, और जी वाई है तो बोले तो सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन हो गया, और आईएसटी बोले तो ध्यान दीजिएगा द पर्सन हो गया। क्या हो गया? पर्सन हो गया। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, वैसा मेडिसिन का वो ब्रांच जिसमें स्किन का स्किन के डिसऑर्डर को क्या कहता है डायग्नोज किया जाता है, और बाद में डायग्नोज करने के बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वैसे ब्रांच को क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजी। और इसका प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी इसको हम आगे पढ़ाएंगे। टैक्सी बना है टैक्सिस से, और टैक्सिस मतलब होता है क्या? टैक्सिस मतलब होता है, ध्यान दो टैक्सिस, और एक है ध्यान दो टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, और डर्मिस्ट बना है डर्मा से, और डर्मा मतलब होता है स्किन। तो वैसा डॉक्टर क्या होता है? वैसा डॉक्टर जो स्किन का अरेंजमेंट करता है, वही डॉक्टर को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। इसको याद करना ऐसे आसान होता है डियर, वैसा डॉक्टर या वैसा व्यक्ति जो जानवरों के खाल को उतारता है, चढ़ाता है, और उसको उसको क्या करता है? मैन इफेक्ट या लाइफ इफेक्ट में भर देता है। देखोगे कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी बनता है डियर, तो वहां पे डायनासोर को दिखाया जाता है, शेर को दिखाया जाता है, बाघ को दिखाया जाता है, तो जनरली वो सब ओरिजिनल नहीं होता है डियर, लेकिन फिर भी देखने में ओरिजिनल होता है। तो उसका करता क्या है? उसमें वैसा ही स्पेशलिस्ट होता है जो किसी स्ट्रक्चर में जानवर के खाल को चढ़ाकर उसे लाइफ लाइक इफेक्ट देता है, ओरिजिनल जैसा आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो जो ये सब वर्क में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, वही इंसान को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। तो टैक्सीडर्मिस्ट मतलब क्या हो जाता है? ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस टैक्सीडर्मी। अब टैक्सीडर्मी क्या होता है? द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल विद लाइफ लाइक इफेक्ट, वैसी कला जिसमें जानवरों के स्किन को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, स्टफ चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, और उसे ध्यान दीजिएगा एक जीवन के रूप में, एक सजीवीकरण के रूप में उसको मूर्त दिया जाता है। तो वैसे कला को ही हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी होता है। एक पढ़े क्या? डर्माटोलॉजिस्ट, और अभी क्या पढ़े? टैक्सीडर्मिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट मतलब हो गया चर्म रोग विशेषज्ञ, और टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब हो गया चर्म प्रसाधन। क्या हो गया? चर्म प्रसाधन। चर्म को, स्किन को डेकोरेट करने वाला, अरेंज करने की कला को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी। और जो स्किन को अरेंज करता, चढ़ाता या उतारता है, ध्यान दीजिएगा, या खाल उतारता है, या खाल चढ़ाता है, या खाल में कुछ भरता है, तो
तो वैसे डॉक्टर या वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। ये खास करके डॉक्टर नहीं होता है, एक इंसान होता है, जनरल इंसान होता है, जो इस चीज को क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। एक है टैक्सोनोमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ, मैं तीन वर्ड को आपको एक साथ पढ़ा दिया। टैक्सोनोमी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म और क्या है, सिस्टमेटिक्स। अब ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण विज्ञान। क्या हम हिंदी लिख दो, इसको बाद में हम पढ़ाएंगे, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान। तो देखो तीन बड़ा को पढ़ाएं, एक पढ़ाएं डर्माटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, टैक्सीडर्मिस्ट, चर्म प्रसाधन करने वाला व्यक्ति, और एक है टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी का मतलब हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट में है ऑप्थल्मोस, ऑप्थल्मोस मतलब होता है आय, ऑप्थल्मोस मतलब क्या होता है आय, और आय मतलब क्या होता है आंख। तो ध्यान दो, और इष्ट मतलब क्या होता है, कॉमन नाम, और लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। तो वैसा कोई भी डॉक्टर जो आंख के बारे में स्टडी करके डिजीज को डायग्नोज करके उस डिजीज का ट्रीटमेंट देता है डियर, तो वैसे डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। लिखा हुआ है ए स्पेशलिस्ट इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेज ऑफ द आई। जो आंख के बीमारी को क्या करता है, डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट देता है, तो उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। अब इसको हम लोग याद करेंगे, बेहद आसान हो गया, आय, और आय का जो स्टडी करेगा या ट्रीटमेंट करेगा क्या है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। हम लोग क्विक रिविजन करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। इस वर्ड दोनों वर्ड को हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मेंशन कर देते हैं, एक है ऑप्टिशियन और एक है ऑप्टोमेट्रिस्ट। बहुत कंफ्यूजिंग है, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ दीजिएगा, वो आपको यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगे। एक है ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन देखो, ऑप्टिशियन बना है ऑप्सी ऑपिस से या ऑप्टिकस से, लैटिन वर्ड है डियर, दोनों का मतलब होता है आय। क्या होता है, आय। ऑप्थल्मोस मतलब भी क्या होता है, आय। अगला है ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसको पढ़ लेते हैं पहले, और ICIN का मतलब क्या बताएं, एक्सपर्ट। तो वैसा व्यक्ति जो चश्मा बनाता है और बनाकर बेचता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिशियन। और एक है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो यहाँ पे बना है ऑप्टिस या ऑप्टिस या ऑप्सिस से, जिसका मतलब होता है आय, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। दोनों यही चीज लिखा हुआ है, देख लेना यहाँ पे, देख लेना, या तो ऑपिस बोल सकते हैं, ऑप्टिकस बोल सकते हैं, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो ध्यान दो, वैसा व्यक्ति, वैसा एक्सपर्ट जो आपके आंख के दृष्टि को मापता है कि आपके आंख में पावर है कि चला गया है, और माप कर आपको चश्मा सजेस्ट करता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं फिर से तीनों वर्ड को रिलेट करता हूं। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मतलब आंख का डॉक्टर। मान लीजिए कि आपके आंख में चोट लग गया, आपके आंख में सूजन हो गया, आपको आंख से कम दिखाई दे रहा है, तो आपके आंख को देखकर डॉक्टर मेडिसिन देगा, दवाई देगा, जरूरत पड़ेगा तो आपका ऑपरेशन करेगा, तो मेडिकल डॉक्टर को बोलेंगे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप कहीं पे गए और आपके आंख को जो मेजर किया, दृष्टि को मेजर किया कि आपका 6x6 आंख है कि नहीं, तो मापने वाले को बोलेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट, और मापने के बाद आपको दुकान में भेजेगा, जाइए चश्मा लेकर आइए, तो जो आपको चश्मा देगा वो क्या है, ऑप्टिशियन। तो फिर से बोल रहे हैं, चश्मा बनाने या बेचने वाला क्या होगा, ऑप्टिशियन, आंख नापने वाला क्या होगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आंख का डॉक्टर या आंख का ऑपरेशन या आपका इलाज करने वाला कौन होगा, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपका इलाज करेगा, ऑप्टिशियन चश्मा बेचेगा, और ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होगा, आंख को नापेगा। आप भी रूम में तीन चार बार बोलिएगा, आपको भी इसमें पकड़ बन जाएगा, और एग्जाम में कभी गलती नहीं करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला है ऑर्थोपेडिस्ट, देखोगे ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो मतलब पढ़ाए स्ट्रेट, और पेडिस मतलब होता है चाइल्ड, पेडिस मतलब चाइल्ड। तो देखिएगा, कभी कभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो कॉन्गेनिटल, देखिएगा उसके हड्डी में मुड़ाव होता है, उसका हड्डी मुड़ा हुआ रहता है डियर, या बाद में हो जाता है, तो अगर बच्चे के बोन में या स्केलेटल सिस्टम में अगर डिफॉर्मिटीज आ जाता है या हड्डी मुड़ा हुआ रहता है, तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर उसके हड्डी को क्या करता है, उसके स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम को क्या करता है, कॉरेक्ट करता है, क्या करता, स्ट्रेट करता है। तो ऐसे डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट।
क्या है? ए स्पेशलिस्ट इन करेक्टिंग डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्पेशली इन किसमें? चिल्ड्रेन, बच्चों के स्केलेटल सिस्टम के डिफॉर्मिटीज में जो क्या करता है, करेक्शन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे? अब याद कैसे करेंगे तो इसी वर्ड को तो हम लोग पकड़ेंगे, जो क्या करेगा, स्केलेटन सिस्टम या बोन सिस्टम को स्ट्रेट करेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिस्ट। स्पेलिंग देख लेना, वहां भी बताए थे पीडियाट्रिशियन और यहां पे भी आपको बता रहे हैं ऑर्थोपेडिस्ट या पीडियाट्रिशियन, दोनों में स्पेलिंग क्या था? पीई ए या पी ए ई, तो आपको जवाब मिला पी ए ई। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। 11, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बना है कार्डिया से, लैटिन वर्ड होता है कार्डिया, K-A-R-D-I-A, कार्डिया मतलब होता है हार्ट। तो वैसा डॉक्टर जो आपके हार्ट के डिजीज को डायग्नोज करके उसको ट्रीट करता है, तो वैसे डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, डिफिनेशन पे नहीं जाना है, हार्ट को पकड़ेंगे हम लोग याद रख लेंगे। तो हार्ट का डिजीज का जो इलाज करेगा वो कौन करेगा? कार्डियोलॉजिस्ट करेगा। अगला वर्ड देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट बना है न्यूरोस से, और न्यूरोस मतलब होता है नर्व्स। क्या होता है? नर्व्स। तो नर्व्स का डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट। अगला जो मेरा है 13 तो था नहीं, इतना वर्ड है तो देख लीजिए, फिर से मैं एक बार क्विक रिविजन करवा देता हूँ कैसे। गायनी मतलब वोमैन, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मिडवाइफ, पेडोस मतलब चाइल्ड, पेडिस मतलब फुट, और आई ए टी आर ई आई ये लिखा हुआ है मेडिकल हीलिंग, साइक मतलब हो गया माइंड, ओ आर टी एच ओ स्टेट या करेक्ट, के ए आर डी आई ए हार्ट, ऑप्थल्मोल्स मतलब होता है आईज, और डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। फिर से हम लोग क्विक रिविजन कर रहे हैं तो देख लेते हैं, ध्यान दो, जो मिडवाइफ का प्रैक्टिस करती है उस डॉक्टर को या उस सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन, और इस विषय को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। अगला में हम लोग क्या बोले? बच्चे के डॉक्टर को क्या बोले? पीडियाट्रिशियन। एक बात बोले कि पीएई होता है, और ध्यान दो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, और इसके लिए एडजेक्टिव यूज करते हैं पीडियाट्रिक। आगे हम लोग देख रहे हैं, देखो एक है पेडेस्ट्रियन, बना पेडी से, पैदल यात्री। क्या पढ़े? पैदल यात्री, उसको क्या बोले? पेडेस्ट्रियन। आगे देखो एक है पेडल, पेडल का मतलब हो गया फुट ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। अगला है पेडेस्टल, जिस आधार पे किसी स्टैचू को खड़ा किया जाता है तो उस आधार को बोलते हैं पेडेस्टल। अगला है पेडलर, फेरी वाला, घूम घूम कर बेचने वाला, दैट इज कॉल्ड पेडलर, उसको क्या बोल दिए? पेडलर। अगला है डर्माटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ को क्या बोल दिए? डर्माटोलॉजिस्ट। एक वर्ड आया डर्माटोलॉजी, चर्म रोग का अध्ययन, उसी को बोलते हैं डर्माटोलॉजी। एक आया था टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट मतलब वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जो जानवरों का खाल उतारता है या चढ़ाता है, या जानवरों को खाल में कुछ भरता है और उसे रियल जानवर जैसा उसे बनाने का प्रयास करता है, तो वैसे इंसान को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। हॉलीवुड में जानवर को शो करने के लिए इसका, इस आर्ट का प्रयोग किया जाता है। एक और वर्ड बताएं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। क्या होता है? वर्गीकरण विज्ञान। अगला देखें ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जो आंख का ऑपरेशन करेगा या आंख का डिजीज का, आंख के रोग का दवाई देकर या इंजेक्शन देकर आपको इलाज करेगा, वो है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। यदि आंख को नापेगा तो ऑप्टोमेट्रिस्ट, और चश्मा देगा या बेचेगा उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। एक है ऑर्थोपेडिस्ट, बच्चे के स्केलेटन सिस्टम या बोन्स स्ट्रक्चर में मुड़ाव आता है तो उसको करेक्ट या स्ट्रेट करने वाले डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। एक है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और एक होता है न्यूरोलॉजिस्ट, जो नर्व्स का क्या करता है? स्टडी करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो नर्व्स वाले डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आई थिंक ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप इस चीज को पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर से मैं कल मिलूंगा अगले दिन वोकैब्स का डे 7 लेकर, तब तक आप इस वीडियो पर वर्क कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, हैव ए नाइस डे।